फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे कैंडी में। तो अभी अपने होटल पहुंच गए, चेकिंग करने के बाद हम रेस्ट करेंगे और सुबह आपको दिखाएंगे सीन्स। I travel far and wide, but nothing compares to Sri Lanka. Busy city, warm people, and heavenly beach. This is Sri Lanka, where modern meets simplicity. The crashing waves on the beach. Sri Lanka में हमारा सफर सिर्फ 3 दिनों का था, इसलिए हमने फैसला किया कि वक्त को जाया किए बिना हमें कोलंबो शहर की सैर को निकल जाना चाहिए। हमने टूरिस्ट कंपनी से कांटेक्ट किया और एक गाड़ी और ड्राइवर को साथ लेकर हम निकल पड़े। हमारे पास जो ड्राइवर था वो हमें पूरी ईमानदारी से श्रीलंका और कोलंबो के बारे में बताता रहा। उसका नाम निशान था, जो बहुत फनी और अच्छा इंसान था। अजी मुंगो सर अवानी कैंडी था और पला रही उठिक्षो आदा मंग सर जिकम दे अभी नाचते होता इमतियाज़ होता है। श्रीलंका तो वैसे एक छोटा सा मुल्क है, पर यह साउथ एशिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो जजीरे पर मुश्तमिल है। श्रीलंका में 80% लोग बुद्धिस्ट हैं। श्रीलंका के जंगलों में हाथी बहुत से तादाद में पाए जाते हैं और वहाँ पर एक एलिफेंट टूरिस्ट पार्क भी है। ये है हाथी के ओरिजिनल दांत और ये इसका पूरा ढांचा। बहुत करीब से देख रहा हूँ हाथी को। तो मैं बैठा हूँ फर्स्ट टाइम एलिफेंट पे। क्या एक्सप्रेशन है यार, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर और इसके ऊपर मैं बैठा हूँ। अच्छा अभी मैंने राइड किया हाथी पे और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ अमेजिंग फीलिंग हुआ। काफ़ी मज़ा आया हाथी पे बैठ के। तो टीवी में देखता रहा, आज पहली दफ़ा हाथी पे सवारी करके बड़ा मज़ा आया। श्रीलंका में ज़्यादातर मेडिसिन हर्बल और जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं और दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। कम्प्लीटली एकदम शाइनिंग देखेगा, मतलब रूट्स डेड।
अब आपको थोड़ा थोड़ा बाल देखते हो, मतलब रूट्स वीक डेड नहीं, कितना दिन ग्रो हो जाएगा ये आप दो महीने यूज करना चाहिए, दो महीने यूज करने का स्लोली स्लोली अंदर से रूट स्ट्रॉन्ग करते, लूजिंग भी नहीं होगा, डैमेज भी नहीं होगा, डंडर भी नहीं होगा, ग्रोथ के लिए ग्रीन कलर अंडरस्टैंड रखते हो। ब्लैक पेपर हम लोग एक ऑयल बना, किसको भी माइग्रेन है देख साइनसाइटिस डस्ट एलर्जी है तो ग्रीन ऑयल बोलते हैं, ये पेपर सिनेमन लेमन ग्रास सारी चीज़ मिक्स किया इधर स्कैल्प में अप्लाई करके मसाज को, 1-3 weeks में कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा माइग्रेन साइनसाइटिस डस्ट एलर्जी। ये हल्दी प्लांट एक आई के मालूम है फेशियल के लिए, हल्दी चंदन एलोवेरा एवोकाडो क्यूकम्बर और चीज़ में हर चीज़ मिक्स किया, रात को अप्लाई करो फेस में। श्रीलंका चाय को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ये अभी हम पहुँचे श्रीलंका का टी फैक्ट्री में, तो स्टार्ट हम यहाँ से लेते, ये ऊपर वाली जगह है, अभी नीचे जाएंगे। श्रीलंका टी इज फेमस एज सिलोन टी ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड वी आर द बेस्ट एंड द बिगेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, एनुअली वी आर प्रोड्यूसिंग 275 मिलियन किलो मूविंग थ्रू द लीव्स एंड ड्राई अप 20 आवर्स। यहाँ पे ड्राई होती है आपको समझ आया होगा, और अभी नीचे जाके उनको रोल करेंगे, फिर उसको पैक करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। ये नेचुरल टी है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, ये श्रीलंका का नेचुरल टी और बड़ा फेमस है और बड़ा पायदार चीज़ है। यहाँ पे टी को रोल किया जाता है और रोल करने के बाद उसको ड्राई करते हैं वहाँ पे नीचे, अभी उस पोर्शन में हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जब ये बताया कि उसको पहले हम उतारते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको मशीन में रोलिंग करते हैं जिससे डस्ट पार्टिकल्स है वो निकल जाए, और उसके बाद उनकी वो करते हैं सारा प्रोसीजर जो नीचे होता है। ये चीज़ तो मैं लाजमी अपने साथ लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे आंखों के सामने ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये नेचुरल है, ये हमें कोई ट्रस्ट नहीं होता अननेचुरल चीज़ों के बाहर, पैकेट वाली जितने भी चीज़ें उनका कोई ट्रस्ट नहीं होता। और ये जो अभी मैं देख रहा हूँ श्रीलंका का, मैंने काफ़ी दफ़ा सुना भी है कि श्रीलंका में ये चीज़ काफ़ी मशहूर है। 120 Celsius. After drying, all the leafy particle become black color and the stem become brown. And as the biggest crystal lake for very heavy, it is go to the silver color. We call grading. Here we grading tea according to the size and the weight. Always taste depend on study packing. That machine also including supper and winnowing fan. This grade plant same process. This is OP orange peco. When you put into the hot water, color become orange. That's the time to take a picture. What do you need to do? I'm going to do it.